नमस्कार दोस्तों आप सभी का इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में, में स्वागत है तो आज के वीडियो में देखेंगे छब्बीस फरवरी यानी कल स्टॉक मार्केट की मूवमेंट क्या रहेगी निफ्टी निफ्टी बैंक एनालिसिस ऑप्शन मार्केट इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में क्या क्या आपको लेना चाहिए कौन से शेयर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देखेंगे ऊपर अगर आप इंटरफेस देख रहे होते देखिए ऊपर की जो एप्लीकेशन है वो है क्रिप्टो करेंसी की जो बेस्ट एप्लीकेशन है और नीचे जो मैंने अभी आपको दिख ही रहा है शेयर खान जो फुल सर्विस ब्रोकर है स्टॉक मार्केट और अपस्टॉक डिस्काउंट है हम यूजुअली क्या करते हैं ऑप्शन मार्केट या फिर इंटरा डे अगर कोई खेलना है हमें ज़्यादातर तो टैक्सेस से बचने के लिए हम अपस्टॉक का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं बहुत अच्छी एप्लीकेशन है क्योंकि चार्जेस है ही नहीं अगर शेयर खान के अगर हम बात करेंगे देखिए इंटरपेस बहुत अच्छा है इसका अगर कंपैरिजन करेंगे तो आईफोन और एंड्रॉयड की तरह ही होता है तो आज का वीडियो में देखेंगे कि कल यानी छब्बीस फरवरी निप्टी और निप्टी बैक का एनालिसिस क्या होगा यानी ऑप्शन मार्केट हम देखेंगे प्रीमियम सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की तो ये देखेंगे हम ऑप्शन मार्केट तो ये देखिए आज एक्सपायरी होने की वजह से यहाँ देखिए सभी कॉल और प्राइस यहाँ जीरो थी यानी फोर मार्च का आपको क्या करना है ये देखिए फिफ्टीन यानी फिफ्टीन थाउजेंड हंड्रेड का अगर हम कॉल देखेंगे तो वन एट है वही का अगर देखेंगे तो वन थर्टी टू है तो मेरे राय माने तो फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड का पुट लीजिए कल के दिन अगर शुरुआत में अगर आप पुट लेते हो ये देखिए पुट की प्रीमियम की प्राइस बहुत कम होगी कल के अगर दिन की बात करेंगे एज कंपेयर टू कॉल अगर आप पुट लेते हो तो मेरे राय ये है कि आप दिन में ही प्रॉफिट कमा सकते हो देखिए कितने प्राइस में आपको पुट लेना चाहिए देखिए फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड का भी पुट का प्राइस दिखा रहा है वन सेवेंटी एट वन फिफ्टी का अराउंड प्राइस हो सकती है डिपेंड है कल कितना ओपन होता है डबल से भी ओपन होता है कोई बात नहीं अगर डबल प्राइस से ओपन होता है मान लीजिए फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड का पुट अगर टू हंड्रेड या फिर थ्री हंड्रेड के प्राइस में ओपन होता है थोड़ा वेट कीजिए नाइन थर्टी तक आपको वेट करना है स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए थोड़ा सा बढ़ेगा एक परसेंट अभी भी मूवमेंट बाकी वहाँ से आपको क्या करना है फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड का लेना है सिर्फ दो या तीन घंटे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से पे दोपहर के दो बजे से तक आसानी से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो लगभग चालीस से पचास परसेंट का आप पुट लेकर पैसे कमा सकते हो रही बात हमें कॉल की तो कॉल का क्या करना है कॉल का हमें वेट करना है यानी देखिए जब निपटी गिर जाती है तो आपको सपोर्ट क्या रहता है अगर हम अभी मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर वह दिखाने जाऊंगा तो टाइम बहुत लगता है तो आपको कॉल कब लेना है देखिए मार्केट अगर क्रैश होता है क्रैश मतलब एक या दो परसेंट अगर दिन में गिर जाता है तो हमें ये देखिए फिफ्टीन थाउजेंड का कॉल बहुत अच्छी प्राइस है लेकिन अगर उसका प्राइस रेंज आधे से भी कम होना चाहिए तो सबसे बेटर ये है कि चौदह हज़ार नौ सौ की प्राइस बहुत अच्छी है कॉल की क्योंकि वो सपोर्ट रजिस्टर यानी कि उस समय ऐसा होगा कि ना ही निफ्टी बढ़ने वाली है ना ही गिरने वाली है वही कन्फ्यूजन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कॉल का ऑप्शन बढ़ जाते हैं तो उस तक आपको वेट करना है यानी करंट प्राइस के हिसाब से दो सौ पॉइंट गिरनी चाहिए यानी चौदह हजार नौ सौ के प्राइस तक नीचे आना है तब आपको कॉल लेना है अदरवाइज अगर जैसे मैंने कल की स्टार्टर्ज आपको बताई पंद्रह दो सौ में यानी निफ्टी अगर ओपन ही पॉजिटिव अच्छी तरह से होती है तो सिर्फ वही नौ बजकर फिफ्टीन मिनट के अंदर अगर आप अपनी पोजीशन लेते हो पुट के तो डेफिनेटली प्रॉफिट कमा सकते हो लेकिन आपको ये देखिए ध्यान रखने की निफ्टी कम से कम एक या डेढ़ परसेंट बनने ही चाहिए तभी आप पुट लीजिए अगर हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की तो ये देखिए आगे चलिए फोर मार्च का हम देखेंगे तो थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड का कॉल देख सकते हो आज एक्सपायरी की वजह से देखिए कल प्राइस बहुत चेंजेस हो सकते हैं अभी कॉल की प्राइस सिक्स हंड्रेड एटी एट दिखा रहा है थर्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्ट फाइव हंड्रेड के प्रीमियम के प्राइस में और पुट का आप देख सकते हो फाइव हंड्रेड एलेवन कल प्राइस चेंजेस हो सकते हैं सिर्फ मैं आपको स्ट्रेटी बताने जा रहा हूँ कि आपको करना क्या है आपको ये देखिए वेट करना ही ये देखिए थर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड निफ्टी आसानी से अगर पॉजिटिव से अमेरिकन मार्केट क्लोज होता है तो, तो मैं गारंटी देता हूँ थर्टी सेवन थाउजेंड तक निफ्टी बैंक ओपन ही हो सकती है पॉजिटिव वहाँ से आपको जल्दी से जल्दी पुट लेना है उसी प्राइस में नौ बजकर फिफ्टीन मिनट में आप वहाँ पुट लेते हो तो देखिए स्टॉप लॉस कितना कराए आप लोग को पुट का स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना है मेरे हिसाब से क्योंकि आप सिर्फ दस या पंद्रह मिनट के मूवमेंट के वेट कर रहे हैं मान लीजिए आपने पुट लिया थर्टी सेवन थाउजेंड का जैसे मैंने आपको बताया बढ़ गया निफ्टी बैंक लेकिन और बढ़ गया आपको लगता है लॉस होगा ऐसा होगा नहीं क्योंकि देखिए करंट प्राइस ऐसी चल रही है निफ्टी या बैंक डर इस बात का लगता है अगर ऊपर जाता है तो कब मार्केट गिरेगा क्योंकि फिफ्टी थाउजेंड तो सेंसिक्स क्रॉस हो चुका है बहुत मार्केट हाई चला गया यानी कि हर दिन क्या होता है एक दिन अगर मार्केट गिरता है तो एक दिन बढ़ रहा है तो आपकी पॉसिबिलिटी प्रॉफिट ज्यादा कम यानी कि थर्टी सेवन थाउजेंड का एक स्टैंडर्ड प्राइस रेंज है निपटी बे वहाँ से नीचे जरूर गिरेगा ये एक रजिस्टर से और सपोर्ट प्राइस इसकी रहती है थर्टी सिक्स थाउजेंड के अराउंड तो इतना नीचे जाता है तो आपको वेट करना है थर्टी सेवन थाउजेंड तक यानी लगभग ज़्यादा कुछ नहीं सिर्फ फाइव हंड्रेड पॉइंट की मूवमेंट है यानी अभी के प्राइस के सबसे माने तो फाइव फोर्टी मूवमेंट फोर हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ की प्राइस रेंज है जो निफ्टी बैंक आसानी से ओपन ही जाने वाली है तो उस टाइम में आपको पुट लेना है थर्टी सेवन थाउजेंड का और वेट करना है जब तक निफ्टी बैंक थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड के नीचे नहीं आती या फिर थर्टी अगर कम टाइम में आपको आपके पोजिशन क्यूअर अप करनी है तो ये देखिए सिर्फ पंद्रह मिनट के अंदर ही आप लगभग तीस परसेंट आपको पोर्टफोलियो गेन कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया थर्टी सेवन थाउजेंड का पुट लीजिए और थर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड तक आपको वेट कर कीजिए यानी आपके प्रीमियम की प्राइस लगभग थर्टी परसेंट बढ़ गई होती है तब आप अपनी पोजिशन क्यूरअप कीजिए हो गया तो आगे हम बात करेंगे इंट्राडे में आप कौन से शेयर ले सकते हो तो अगर आप निफ्टी देखेंगे तो गेनर में आपको डेफिनेट रिलायंस और बाकी कंपनियां देखेंगी तो देखिए रिलायंस ही क्यों जैसे मैंने पिछले ओडिये में बताया अगर कोई नया यकीन नहीं तो मेरे पिछले ओडे देख सकते हो रिलायंस का मैंने बताया था <coughs> सॉरी वन के बीच के प्राइस में अगर रिलायंस लेते हो इक्कीस का मैंने टारगेट बताया था जो लगभग रिलायंस ने ब्रेक कर दिया तो आपको वेट करना है रिलायंस कल डेफिनेटली दो परसेंट एक परसेंट बढ़ेगा अगर कोई न्यूज़ नहीं आती हो तो कभी कभी क्या होता है न्यूज़ के चलते मान, मान लीजिए मैंने सेलिंग बताया लेकिन न्यूज़ अच्छी आई है रात में पता नहीं होता कि दो या तीन घंटे बाद क्या होगा कभी भी तो उस टाइम आपको रिस्क नहीं लेना है मैं सिर्फ अभी की बता रहा हूँ अगर कोई न्यूज़ नहीं है तो आपको करना क्या है ये देखिए रिलायंस हाई चला गया है लगभग टू थाउजेंड वन हंड्रेड बहुत ज़्यादा प्राइज है टू थाउजेंड सिक्सटी ज़्यादा प्राइज है टू थाउजेंड तक जा सकता है वहाँ से रिलायंस डेफिनेटली ब्रेक होगा तो इतना कुछ पता नहीं है तो इंट्राडे आपको क्या करना है इस प्राइस के हिसाब से मान लीजिए एयरलायंस बढ़ गए कल ओपन होते ही तो टू थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी या सिक्सटी तक आपको वेट करना है बढ़ता है बढ़ने दो बहुत अच्छी बात है एक परसेंट बढ़ता है तो डेफिनेटली अच्छी बात है डेफिनेटली गिरने वाला है लगभग मैं आपको बताता हूँ रिलायंस में करेक्शन कितने होने वाली पाँच से दस परसेंट तक रिलायंस गिरने वाला है तो आप क्या कीजिए पहले बढ़ने का वेट कीजिए सौ नौ तक वेट कीजिए लगभग टू थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी या सिक्सटी में आपको सेल करना शॉर्ट सेलिंग करनी है लग और टारगेट रखना है लगभग इक्कीस सौ का उससे पहले अगर अप करते हो पोजिशन कोई बड़ी बात नहीं प्रॉफिट अच्छा है बात है ज़्यादा रिस्क भी नहीं है डेफिनेटली प्रॉफिट कमा सकते हो रही बात फिर ऑप्शन मार्केट की तो ये देखिए ऑप्शन मार्केट में अगर आपको रिलायंस लेना है तो मेरे हो तो देखिए मेरी राय मानो ये देखिए अभी तो यहाँ जीरो दिखा रहा है क्योंकि सबसे कम अगर रिस्क होती है ना तो किसी भी शेयर का ऑप्शन मार्केट में क्योंकि वह एक मंथ का आपको टाइम मिलता है तो एक एक मंथ में क्या हो सकता है ये देखिए कल अगर रिलायंस बढ़ता है तो सबसे अच्छी बात आपके ऑप्शन मार्केट में रिलायंस बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है आपको करना क्या है फिर जैसे ही रिलायंस बढ़ता है तो आपको इक्कीस सौ का जो पुट है तो इक्कीस uh, सौ का पुट आपको लेना है उसके प्रीमियम बहुत कम जाएगा लगभग ट्वेंटी से थर्टी परसेंट डाउन से ही प्रीमियम ओपन होगा तो टू थाउजेंड हंड्रेड हम इक्कीस सौ कहेंगे उसका आपको पुट लेना है थोड़ा वेट करना रिलायंस बढ़ेगा तो पुट कम uh, प्राइस जब भी कम होगी यानी इक्कीस टू थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी या एट्टी तक जब रिलायंस जाएगा तब आपको इक्कीस सौ का पुट लेना है डेफिनेटली रिलायंस मैंने जो बताया 2000 तक प्राइस जाने वाली है तो उस हिसाब से आपको पुट ले सकते, सकते हो प्रॉफिट कमा सकते हो या फिर इंट्राडे मैंने जो बताया सिर्फ चार या पांच परसेंट की मैक्सिमम मूवमेंट होगी या फिर तीन परसेंट की शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो सॉरी तो अगर हम बात करेंगे देखिए दो बैंक ऑप्शन रह सकते हैं जैसे इंडुसलैंड बैंक हो गई या फिर एस बैंक हो गई तो ये देखिए इंदुस्लैंड बैंक का अगर हम बात करेंगे तो ओवर हाई वैल्यूएशन हो चुका है मेरे राय माने देखे फिफ्टी टू वीक हाई तक चला गया है लगभग मैं गारंटी देता हूँ वन थाउजेंड तक नीचे जाने वाला है हिंदुस्लैंड बैंक तो आपको करना है क्या आपको वेट करना है सीधा अगर आप ऑप्शन मार्केट में जाते हो तो देखिए वन का पुट लीजिए बहुत अच्छी बात है या फिर वन थाउजेंड का रख लीजिए सिर्फ आपको करना क्या है पड़ता है पुट का प्रीमियम प्राइस फ्लक्चुएशन होती है डिपेंडिंग अपन ओपन प्राइस और क्लोज़ प्राइस अगर देखिए क्लोज प्राइस तो अभी वन थाउजेंड वन हंड्रेड जीरो नाइन है लेकिन प्रीमियम ख़त्म हो चुके नए प्रीमियम स्टार्ट हो गए जैसे न्यू मंथ की बात करेंगे तो क्या होगा आपको वेट करना है वन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी तक हिंदुस्लैंड बैंक डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है जब भी ये फिफ्टी टू एक हाई के करीब होगी तब आपको सेल करना है यानी मान के चेहरे करंट प्राइस का वन थाउजेंड हंड्रेड का आपको पुट लेना है लगभग ट्वेंटी परसेंट कल डाउन के हिसाब से आपको पुट लेना है डेफिनेटली पुट की प्राइस कम होगी और डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ एक कितना नीचे जा सकता है हिंदुस्तान बैंक तो वन थाउजेंड फिफ्टी चलेगा वन थाउजेंड तक के आसानी से नीचे जाने वाला है कि निफ्टी बैंक में फिर से करेक्शन हो सकते थोड़े बहुत इत करेक्शन का मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट गिरेगा सिर्फ एक या दो परसेंट जो बहुत ज़्यादा है मंथ एक मंथ की एक्सपायर हो तब तक आप कॉल और पुट के जरिए दोनों सभी हिंदुस्लैंड बैंक में प्रॉफिट कमा सकते हो मान लीजिए हिंदुस्ैंड पर नीचे चले गए वन थाउजेंड तब आपको कॉल लेना है और वही जैसे मैंने स्ट्रेटी बताई ट्वेंटी या थर्टी परसेंट में सेल कीजिए सिर्फ एक दिन में ही प्रॉफिट कमा सकते हो बीस दिन या पच्चीस एक मंथ की भी जरूरत नहीं है वेट करने की रही बात अगर इंट्राडे में और स्टॉक की तो देखिए टाटा मोटर्स और येस बी बैंक सॉरी तो हिंदुस्ड मैंने ऑप्शन में बताई तो टाटा मोटर्स का क्या हाल है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन विचारते पूछते हैं कि भाई टाटा मोटर्स का क्या है देखिए टाटा मोटर्स सिर्फ ऊपर ऊपर गए लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टॉक की प्राइस और वैल्यूएशन के हिसाब से इसे इतना होना चाहिए 250 से 250 से लेकर 300 हंड्रेड प्राइस के अराउंड टाटा मोटर्स होना चाहिए तो अगर शॉर्ट टर्म में आप इसे सेलिंग करते या फिर ऑप्शन मार्केट में अगर जाते हो तो मेरे राय मानो तो आप पुट लीजिए 300 का आप पुट लीजिए या फिर ये देखिए करंट प्राइस का भी पुट ले सकते हो लेकिन ये देखिए प्रीमियम अगर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता प्रीमियम बहुत कम होते चाहे आप कितना भी प्रॉफिट कमाओगे लो अगर प्रीमियम की वो उतना इफेक्टिव वॉल्यूम नहीं है ना फिर घर ही जाती है प्राइस तो ये देखिए थ्री हंड्रेड और थ्री हंड्रेड अभी थर्टी फाइव के बीच का प्रीमियम चल रहा है तो, तो आप मान लीजिए थ्री फिफ्टी थोड़ा बढ़ने दीजिए पाँच परसेंट लगभग तो थ्री फिफ्टी का पुट लीजिए बहुत अच्छी प्राइस है डेफिनेटली गारंटी देता हूँ अगर थ्री फिफ्टी तक टाटा मोटर्स चला जाता है कल तो आप शॉर्ट सेलिंग तो करिए करने से अच्छा तो आप पुट ले लीजिए नो रिस्क है जीरो रिस्क है वहाँ टारगेट लगभग मैं गारंटी देता हूँ जितने भी पुट की वैल्यू आप बाय करोगे थ्री फिफ्टी का उसका डबल ही होगा या फिर आधे से आधे तक आप प्रॉफिट कमा सकते हो भी वन वीक के अंदर ही क्योंकि बहुत हाई वीक चला गया टाटा मोटर्स जबकि कोई अच्छी न्यूज़ ही नहीं और अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए एक ही बैंक बचते जो है येस बी और दूसरे हम बात करेंगे तो ये देखिए गेल कंपनी की जो निफ्टी फिफ्टी के बाहर ही जाने वाले तो ज़्यादा कुछ है ही, ही नहीं जैसे मैंने अभी बताया ये देखिए कुछ दिनों पहले बी जो मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है फाइव का टारगेट रखिए आसानी से जाएगा जिन्होंने थ्री के अराउंड जैसे मैंने बताया था डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है तो आपको करना क्या है देखिए वेट करना है न्यूज नहीं है तो ये देखिए थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड तक ये अगर जाता है तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करने करनेफिनेटली पाँच परसेंट कम से कम पाँच परसेंट बता रहे डेफिनेटली गिरने वाला है बीपीसीएल या फिर आप पुट लीजिए नो रिस्क है लेकिन ये देखिए राय अगर मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए मान के चलिए तो शॉर्ट टर्म में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो सॉरी तो ये देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए फोर थर्टी के अराउंड प्राइस है और फोर थर्टी फोर हंड्रेड से लेकर फोर हंड्रेड तक सॉरी बाइंग प्राइस है सॉरी यहाँ लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर और सेलिंग प्राइस जो है इन बिटवीन तो फोर हंड्रेड एट्टी मैक्स है सेलिंग इसकी तो यह आपको सेल करना है इस प्राइस में अगर शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन है तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है इतना नहीं है लेकिन पांच से दस परसेंट बहुत है एक वीक के अंदर फिफ्टीन परसेंट का मुनाफा बिना कोई शॉर्ट सेलिंग या फिर ऑप्शन मार्केट सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब के चलते आप बीपीसीएल में कमा सकते हो अगले देखे बात करेंगे देखे निफ्टी तो बैंक की तो यह हम ये की बैंक रह चुके हैं जैसे मैंने बात की है बी आई बी आई बैंक का क्या करे तो यस बी आई बैंक का भी वही करें शॉर्ट सेलिंग 420 तक वेट कीजिए या फिर 415 तक जाने दीजिए एस बी आई बैंक को डेफिनेटली गारंटी देता हूँ शॉर्ट सेलिंग कीजिए प्रॉफिट कमा सकते हो या फिर देखिए साधारण बात है ऑप्शन मार्केट में जाइए अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है ही नहीं तो थोड़ा बहुत मार्जिन का यूज कीजिए मार्जिन थ्री गुना बिटती है फिर बिना मार्जिन के भी देखिए बिना कोई रिस्क सिर्फ फोर हंड्रेड का जो पुट है वो ले ले लीजिए थोड़ा बढ़ने दीजिए फोर हंड्रेड फिफ्टीन का टारगेट रखिए इस बी का जब भी ये प्राइस क्रॉस होगी तो आपको फोर हंड्रेड का पुट लेना है फोर हंड्रेड का जब आप जब भी पुट लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ जब भी जिस प्राइस में आप पुट ले ले रहे हो अभी ये प्राइस चेंज होने वाली है कल जो अभी दिखा रहा है फिफ्टीन रुपीज़ यानी फोरटीन पॉइंट नाइन फाइव तो ये चेंज होने वाली है लगभग थर्टी हो सकती है फिर सेवेंटी भी हो सकती है पता नहीं तो अगर आप पुट लेते हो फोर हंड्रेड का तो अगर फोर फिफ्टीन के प्राइस के हिसाब से अगर फोर प्राइस चला जाता है तो फोर हंड्रेड का पुट लीजिए लगभग पचास परसेंट सिर्फ तीन या चार दिन के अंदर आप कमा सकते हो यस बी आई उतना गिरने ही वाली है तो सिर्फ आपको वेट करना है यस बी आई थोड़ा बढ़ने का यानी लगभग थ्री या फोर परसेंट यस बी आई का आपको बढ़ना है उसके बाद यस बी आई आपको सेल करना है या फिर पुट लेना है यस बी आई का तो ये हो गए रही बात अगर इंट्राडे डे के किसी को चाहिए कि भाई हमें इंट्राडेस बी का खेलना है तो क्या करें तो सिंपली बात है कि फोर हंड्रेड फिफ्टीन तक एस बी आसानी से जाएगी न्यूज़ नहीं आती हो तो अगर कल फोर में ओपन ही हुआ है पॉजिटिव फोर ट्वेंटी तक चला गया तो आपको सिंपली बात है मार्केट में अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आपको कैसे पता चलता है ये देखिए कैंडलस्टिक किसी काम की नहीं होती अगर कोई भी चीज़ उसके हाई और बहुत हाई चले गई लेकिन थोड़ा सा भी थोड़ा गिरने के कागार पर सिर्फ पॉजिटिव इंडिकेटर के साथ क्लोज हुए तो उसमें बहुत रिस्क होती है तो उस उस उसके रिस्क के चक्कर में आप इंडिकेटर का यूज़ मत कीजिए क्योंकि इंडिकेटर तभी काम करते जब कोई गिरता है फिर बढ़ता है पता चलने में तब तक दो या तीन इंडिकेटर लगते हैं तभी आपको पता चलता है डाउनफॉल चल रहा है या फिर अप ट्रेड चल रहा है तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो तो आपको क्या करना है देखिए जैसे मैंने बताया निफ्टी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स बहुत हाई चला गया फिलहाल के लिए बढ़ने तो बहुत वाला है लेकिन फिलहाल के लिए देखिए थोड़ा गिर सकता है तो गिरने का आपको क्या बोलते हैं उसे थोड़ा सा वेट करना है अभी थोड़ा बढ़ गया है थोड़ा वेट कीजिए थर्टी सेवन थाउजेंड तक निफ्टी बैंक का वेट कीजिए और वहाँ से देखिए कल अगर ऐसा होता है मान लीजिए निफ्टी बैंक थर्टी सेवन थाउजेंड क्रॉस करती है फिर उतने तक आती है तो मैं गारंटी देता हूँ वहाँ से थोड़ी बहुत शॉर्ट सेलिंग हो सकती है या फिर निफ्टी बैंक और सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़े से आप देख सकते हो शॉर्ट सेलिंग की ओर ज्यादा होगा और गिरने के कगार पर होगा कल पॉजिटिव से थोड़ा बहुत ओपन हो सकता है निफ्टी निफ्टी बैंक इसका मेन रीजन यही बता सकता हूँ। ये देखिए नीचे जाइए यूरोपियन मार्केट थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल के साथ क्लोज हुआ है। रही बात डाउजो ने सही अमेरिकन मार्केट तो वो भी पॉजिटिव के साथ ही आई थिंक क्लोज होगा अभी ओपन नहीं होता क्योंकि उसका टाइम अगर सेवन एट पी के आसपास ही अमेरिकन मार्केट ओपन होता है तो ये बात अगर एशियन मार्केट तो यह आप देखेंगे जापान जो है जापान हांगकॉग या फिर ए सी सी इंडेक्स हमें देखेंगे ये तो पूरा ग्रीन सिग्नल है आपको कैसे पता चलेगा निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक कल बढ़ गई देखिए एजिक्स निफ्टी हमारे निफ्टी से पहले आधे घंटे पहले ओपन होता है वो मार्केट अगर वो पॉजिटिव होते डेफिनेटली इंडिकेटर पॉजिटिव अगर वो ज़्यादा इतना पॉजिटिव है नहीं तो आपको वही मैंने जो स्ट्रैटी बताई सीधा आपको शॉर्ट सेलिंग करनी या फिर ऑप्शन मार्केट जो कम रिस्क है वन मंथ की जो मैंने स्टॉक की बताई है अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टॉक के रिगार्डिंग या फिर कोई और परेशानी है तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकती है मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू